कभी जूट की खेती के लिए मशहूर रहा कटिहार जिला अब गांजा कारोबारियों का गढ़ बनता जा रहा है। गांजा तस्करों ने कटिहार को नशे के कारोबार के नेटवर्क में शामिल कर लिया है। पिछले दिनों पुलिस ने 298 किलोग्राम गांजे की खेप जब्त की थी। गांजे की इतनी बड़ी खेप को जब्त करने के बाद पुलिस ने तस्करों का नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया। इसी जांच के दौरान 3 तस्करों को 14 किलोग्राम गांजे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कटिहार पुलिस ने फलका थाने के फुलडोभी इलाके से 14 किलोग्राम गांजे की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कटिहार के सदर SDPO अमरकांत झा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही नवाबगंज निवासी विकास मंडल के घर से अवैध गांजे की बड़ी खेप जब्त की थी। उन्होंने बताया कि 298 किलोग्राम गांजे की सप्लाई छोटे छोटे एजेंट को की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही 7 आरोपियों के साथ अवैध गांजे को बरामद कर लिया गया। SDPO ने बताया कि गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना विकास कुमार मंडल है। उन्होंने बताया कि मंडल के इकबालिया बयान पर पुलिस ने फलका थाना के रंजीत कुमार के घर छापा मारा। SDPO ने बताया कि इस मामले में आरोपी रंजीत कुमार के अलावा गांजा खरीदारी करने पहुंचे 2 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। बीते दिन 3 तारीख को कुर्सेला में काफी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था, जिसमें विकास मंडल जो नवाबगंज बासा टोला का था उसने अपने स्वीकारोक्त बयान में दिया था। इसमें कुछ नाम बताया था, रंजीत कुमार का नाम बताया जो फुलडोभी बथानी टोला का था। और इसी क्रम में फॉलोअप में हमारे फलका थाना अध्यक्ष और कोरा थाना अध्यक्ष मिल करके उसके यहाँ छापेमारी किए। उसी क्रम में रंजीत कुमार, गोपाल कुमार जो कोरा थाना का था, और विजय कुमार जो तीनटंगा भागलपुर जिला का था, सब वहाँ मिला। और उसी के पास से कुल 14 किलो गांजा बरामद हुआ, तो गांजा को भी जब्त किया गया और तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये पूर्व में जो गांजा कहाँ रखी हुई थी? गांजा उसके घर पर था, ये रंजीत कुमार के घर पर था, और ये लोग खरीदने के लिए गया था। कोढ़ा के जो थे गोपाल कुमार और विजय कुमार जो तीनटंगा भागलपुर था, ये लोग खरीदने गया था। सर, ये लोग खुदरा व्यापारी थे या फिर ये लोग जो है, ये लोग जैसा कि बताए हैं जी, विकास कुमार जो मेन पार्टी था गांजा का, जो कुर्सेला से हम 3 क्विंटल से बरामद हुआ, उसी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इसके यहाँ छापेमारी किया गया। रंजीत कुमार के यहाँ छापेमारी किया तो उसी छापेमारी के क्रम में 14 किलो इसके यहाँ गांजा मिला। और इसको खरीदने गया था जो इसके लोग गोपाल कुमार और विजय कुमार जो वहाँ था, तो वो भी वहीं मिला। तो कुल 3 गिरफ्तारी हुई और 14 किलो गांजा बरामद हुआ। सर, लोग का नेटवर्क कितना फैला हुआ था? ये लोग का नेटवर्क है, इस इलाके में हम लोग लगे हुए हैं, जैसे कोरा में भी है, फलका में भी है, कुर्सेला में भी है, लेकिन अभी तक के जानकारी ये नहीं। इसका मेन हब कुर्सेला का जो नवाबगंज बस्ती है, जिसका बासा टोला है, इसमें हम लोग गिरफ्तार किए हैं। मेन वही नेटवर्क है, हम लोग इसमें पुनः इस सब पर हम लोग ध्यान देंगे और कार्रवाई हम लोग करेंगे। कटिहार जिले के कुर्सेला थाने का नवाबगंज इलाका गांजा कारोबार का हब बनता जा रहा है। यहाँ से सप्लाई होने वाले गांजे की खपत कुर्सेला, फलका और कोढ़ा जैसे इलाकों में की जा रही है। उम्मीद है कि पुलिस गांजा तस्कर के पूरे नेटवर्क का खुलासा जल्द ही करेगी। पंजाब केसरी TV बिहार के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।